तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? मुझे क्यों नहीं होगा? लीडर होता है, कोई भी नेता होता है, वो मंदिर जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। अगर उसी तरफ बीजेपी का कोई चला जाए तो एक्चुअली में अगर कोई भी बीजेपी का लीडर चला जाता है मंदिर में तो ये लोग कहते हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए जाए। मानसिकता क्या है? अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है, मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र। आपके पीएमओ में कितने आईएएस आईपीएस बड़े पिछड़ा है, नंबर बताओ। याद रखो, मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा। आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में एनडीए अलायंस में शामिल जितने भी विपक्षी दल है, आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। यह सारी पार्टी पारिवारिक पार्टियां हैं, मतलब कि एक परिवार से इनका लेना देना होता है, बाकी बाहर का कोई इनमें नेता नहीं बन सकता। तो इन्हीं पारिवारिक पार्टियों के खिलाफ मोदी जी हमेशा बोलते रहते हैं और अपना मोर्चा खोल के रख देते हैं। तो इसका बदला लेते हुए लालू यादव, जो सबसे बड़े परिवारवादी पार्टी के मुखिया है, उन्होंने मोदी जी के परिवार पर अभद्र टिप्पणी करते हुए इनका अपमान कर दिया। तो दूसरी तरफ यह जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने अपनी नई रैली यात्रा में यह कह दिया कि राम नाम से कुछ नहीं हो तो भूखे मर जाओगे। तो आज की डिबेट इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर होने वाली है। तो आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर दिल्ली आने के बाद पता चला कि शहंशाह जो है वो डर गए। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जब से पश्चिम में जिनको चवन्नी कहा जा रहा था, जब से वो अठन्नी या सिक्का बन गए हैं, न जाने क्या हो गए हैं, तब से ये जो शहंशाह हैं 400 बहुत शोर मचा के बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने जैन जी को ले लिया, आपने राजभर जी को ले लिया, आप सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो। अगर आप इस देश के सबसे ताकतवर नेता हो, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी हो, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत क्या है? हमारे बच्चे जानते हैं, गांव से हैं ये सब, मैं भी गांव का हूं, राम राम कहते हुए हम भी बड़े हुए हैं, ये भारत की भाषा है। लेकिन आज इनका सवाल, मेरा सवाल क्या है कि जो सरकारें चुनी हुई हैं वो शिक्षा का इंतजाम करें, वो नौकरियों का इंतजाम करें और प्यार मोहब्बत भाईचारे का देश में माहौल हो, जो हमारी आजादी का सपना था। कि राम राम बोलकर बड़े हुए, चलिए आप राम राम बोल के बड़े हुए, राहुल गांधी का राम राम बोल के बड़े नहीं हुए। वो क्या कहते हैं, मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मतलब जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपका राहुल जी का कहना है, बताइए। नहीं, अमित जमाई राम राम बोल के बड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी राम राम बोल के बड़े नहीं हो रहे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर करने से तो पेट में राशन नहीं आएगा ना। बिल्कुल, भगवान का राम दिल 24 घंटे जपवाने से मेहनत मशक्कत नौकरी शिक्षा जो सरकार का वादा है। हम कह रहे हैं आप धर्म का एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं? पांच वक्त का नमाजी और अपना काम भी अच्छे से करता हो तो क्या कहिएगा उसके? बहुत अच्छी बात है, काम तो हो। क्यों बोला जनरलाइज करके? क्यों बोला राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने जनरलाइज करके क्यों बोला? हाथ में यहाँ पर इतने सारे युवा बैठे हैं, ये भगवान राम का नाम भी लेते होंगे, वासुदेव कृष्ण का नाम भी लेते होंगे, लेकिन अपना कर्म भी करते हैं, अपना धर्म भी करते हैं। रमेश भाई, तो क्या कहिएगा? हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो, उसके हाथ में प्रधानमंत्री ने कटोरा थमा दिया है। 80 करोड़ लोग भारत के, 80 करोड़ लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूं, राशन दे रहा हूं। सरकारों का काम है कि ये जो मेहनतकश बाप बेटियां हैं ना, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, हाथ को काम क्यों नहीं दे रहे हो? लाठियां क्यों दे रहे हो उनको? धर्म का काम है, नमाज पढ़ लेंगे, पूजा कर लेंगे। क्या हम लोग पूजा करते हुए, नमाज पढ़ते हुए बड़े नहीं हुए? तो फिर क्या बोलने की आवश्यकता थी? डॉक्टर आजारो, मैं ऑडियंस से भी ला लूंगा, क्या 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 बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो? देखिए, हिंदुस्तान में है, हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। भाई साहब ने अपनी बात शुरू की कि शहंशाह है दिल्ली में, नहीं है शहंशाह दिल्ली में, टीपू सुल्तान आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई शहंशाह नहीं है, अखिलेश का नाम टीपू ही है। आज हम लोग जो चर्चा में बैठे हैं, लालू यादव को क्या जरूरत थी कहने को? जरा सोचिए, जरा मानसिकता क्या है? अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है, मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र, पारसी पिता का पुत्र, उनको हिंदू दिखता है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं दिखते हैं, ये लालू यादव की मानसिकता है। करेंगे क्या आप? जो आज राहुल गांधी का ये डायलॉग सुना रहे हैं कि भूखे मरो, जय श्री राम बोलो, भूखे मरो, ये हिकारत है, ये सनातन के प्रति नफरत है। ये जो इंडिया अलायंस बैठा हुआ है यहाँ पे, बगल में मेरे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी भी बात याद दिला दूं। क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने? बेटा, मेरी नानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया, बड़ा फेमस हुआ था, और उसके बाद चले गए राम मंदिर दर्शन करने। जी, ये जानबूझ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है ये बनाई है कि भाई मुसलमानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, 2024 मई में जब रिजल्ट आएंगे, इनके एक जमीन निकल जाएगी। आपने कहा ना कि दिल्ली क्यों आए हैं, दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी छूट गया, 80 गया। तो मैं पूछना चाहता हूं अमित भाई से,
आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है या नहीं? बेशक सभी को गर्व है। तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? तो हो ना, मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? यही तो 70 साल से इस देश में चलता आया। मुसलमान होने पे गर्व करो, अल्पसंख्यकों को देखो और हिंदुओं को बांट दो। हिंदू अस्मिता को खत्म करने की बात होती है, दर्द वहां होता है। इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए, बहुसंख्यक होने के बावजूद एक अयोध्या का मंदिर बनवाने में हमें 500 साल लग गए। आज भी ज्ञानपीठ पे हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में, आज भी मथुरा में हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में। अगर बहुसंख्यक मेजोरिटेरियनिज्म जो ये आरोप हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज्बा हमें होता, इसका एक जज्बा हमें होता तो क्या जरूरत ही न्यायालय की? अगर ये इस्लामिक देश होता तो क्या इनको मंदिर लेने में टाइम लगता? कौन कौन लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर? लगभग सभी ले रहे हैं। और कौन कौन लोग अपना काम भी करते हैं साथ में? अब बोलिए। अभी जी एक बात कहूंगा, देखिए 5 सेकंड, हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते। अधर्म की राजनीति इस देश में 70 साल लोगों ने अधर्म की राजनीति की। क्यों, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, जब इंडिया अलायंस का कोई भी जो लीडर होता है, कोई भी नेता होता है, वो मंदिर जाता है तो वह भक्ति कहलाती है। अगर उसी तरफ बीजेपी का कोई चला जाए तो एक्चुअली में अगर कोई भी बीजेपी का लीडर चला जाता है मंदिर में तो ये लोग कहते हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए जाना है। सर क्यों, उनके अंदर भक्ति नहीं है क्या? उन्हें राम मंदिर के लिए उनको नहीं करना है। सर बात अगर धर्म की हो रही है तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें बचपन से सिखाया जाता है राजधर्म। धर्म ज्यादा जरूरी है, कर्म ज्यादा जरूरी है? कर्म कोई धर्म मानो ना, क्यों नहीं फिर कर्म कोई धर्म मानो? अगर हम देखें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो वो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है। और फिर ऐसे में अलायंस से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का कि मोदी जी पर कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे लोग परिवार कहाँ है, तो फिर क्या हम देखना चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में ये चीज है कि परिवार? मोदी जी का परिवार तो नहीं है ना, मतलब उन्होंने परिवार छोड़, मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है। वही सिखाया जा रहा है कि पूरा देश उनका परिवार है, हमें तो ये सिखाया जा रहा है पूरा देश परिवार। तो फिर उनसे सवाल क्यों उठ रहा है ये चीज कि क्यों? ये अमीक जमाई, ये पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है। जैसा 2019 में हुआ था चौकीदार चोर है, इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है तो लोग खड़े होके बोल रहे हैं कि हमें मोदी का परिवार बताइए क्या करिएगा। यहां से पर मैं भी हाथ खड़ा करवाऊंगा तो जवाब मिल जाएगा। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी का परिवार अगर इस देश का 125 करोड़ परिवार होता तो 80 करोड़ हिंदू जो है ना राशन की लाइनों में कटोरा लेके नहीं खड़ा होता। मिस्टर का परिवार क्या है? एक मिनट, वो हमेशा कहते रहे कि मेरा परिवार आरएसएस परिवार है। छोटी सी बात, क्या इस देश का किसान, ये बच्चे बहुत सारे गए होंगे प्रोटेस्ट में, पूरे देश से परेशान होकर जो दिल्ली में आते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? इसको चला दीजिए जरा। क्या इस देश के युवा, जो सबसे बड़ी आबादी है, जो बेरोजगार है, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? क्या इस देश में जातिगत जनगणना को चाहने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, गरीब, वो प्राइम मिनिस्टर का परिवार है? ठीक, एक सेकंड, संजय राणा क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड। बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि समाजवाद और इंडस्ट्रीज की बात करी। बताइए जया बच्चन कौन से समाजवाद से आती हैं, जरा बता दीजिए। जया बच्चन को आपने राष्ट्रवादी? अरे सुन लीजिए, अरे धैर्य रखिए, अरे धैर्य रखिए। किसान किसान की बात कर रहे हैं, अरे किसान की बात कर रहे हैं। अरे सुन लो, भागने लगे, भागो मत। ये बताइए परिवार की बात कर रहे हैं, 22 लोग इनके अपने परिवार के भाई भतीजे चाचा बने हुए हैं, 32 लोग और बताते हैं। 96% किसान जो देश का है वो बेचारा मस्ती पे अपना चीज बेच रहा है। वैसे ही टोटल ये 25 कह रहे थे, ये 32 कह रहे हैं, कितने हैं वैसे? सुनो, आप ज्यादा कंफर्म करेंगे आपसे बेहतर किसको बताएं? अमित जी, ये यादव फैमिली के कितने परिवार वाले हैं बताइए ना, समस्या बताओ ना। 36 है, 30 बताऊं क्या है कि 32 है? दर्द बताऊं क्या है? हजारों साल से एक जाति का भारत के न्यायालय से लेकर सत्ता पे, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा रहा। जब से दलित आने लगे, पिछड़ा आने लगे, कांग्रेस को गाली दे। मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कहते मैं पिछड़ा हूं, अति पिछड़ा। आपके पीएमओ में कितने आईएएस आईपीएस दलित पिछड़ा है नंबर बताओ। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कितने वाइस चांसलर दलित पिछड़ा है नंबर नहीं बताएंगे, कहेंगे केशव मौर्य पिछड़ा है। आप पिछड़ों को पिछड़ों अच्छा, के खिलाफ लग रहा कि इस्तेमाल करते हो, आईएएस आईपीएस 10 साल में बन जाते हमारे दोस्त के घर। मोदी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है, मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाऊं, गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर, जिस घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ गई। पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है, मतलब खड़गे साहब क्या बात बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल बात जो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल बात है या पर्सनल बात है? नहीं नहीं, पॉलिटिकल बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, भाई अपने बारे में बोल रहे हैं, तभी तो इतना एक्सपीरियंस है। जब से कांग्रेसी मोदी का फोटो देखना शुरू किया 2002 से, देखिए दरिद्रता कैसे आती चली गई कांग्रेस पार्टी में, कहां से कहां गई।
राजीव गांधी के समय 404 थे, बड़े मजबूत थे। मोदी जी का फोटो 2002 से देखना शुरू किया, देखिए ऐसे 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 घटते 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 आज 52 आ गया, उसी का दर्द झलक रहा है और कुछ नहीं है। अब ओपिनियन पोल में 40 से नीचे आ जाएंगे इस बारी, 40 नहीं 25 के नीचे जाएंगे, ये लोग अग्री कर रहे हैं। देखिए सब शांत बैठे हुए हैं। इसी खड़गे साहब ने कहा था, याद रखो मोदी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा।